हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं दिव्यांग विधवा विरक्तों से इंतजार था आवास का, यानी जिनके पास आवास नहीं है तो देखिए वो योजना आ चुकी है। अब ये योजना कौन कौन से राज्य में शुरू हो चुकी है, देखिये एक योजना जो है झारखंड राज्य में शुरू हो रही है, यानी चल रही है अब वह आवास योजना। अब यूपी में भी दिव्यांग विधवा विरक्त के लिए जो है आवास दिए जाएंगे। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। देखिए झारखंड में काफी दिनों से योजनाएं चल रही हैं और यूपी में जो है 9 सितंबर 2023 को जो है दिव्यांगों को आवास दिए गए थे। और फिर अखबार में न्यूज निकल कर आई है, तो देखिए अब जो न्यूज निकल कर आई हुई है पहले मैं आपको बता देता हूँ झारखंड की न्यूज और उसके बाद फिर बताऊंगा यूपी की न्यूज। तो और इसके जो अखबार की जो कटिंग आई है वीडियो में भी लगा दूंगा और जो है क्रिएट पोस्ट भी कर दूंगा, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अब ग्राम सभा तय करेगी अब वह आवास के लाभुकों की सूची, यानी जो इसकी सूची थी तो इसके जो आवेदन हुए हैं झारखंड में अब वह आवास योजना के, वह झारखंड में आवेदन पूरे हो चुके हैं, अब उसकी सूची आ चुकी है। अब ये सूची जो है ग्राम सभा को दे दी गई है, यानी ग्राम सभा तय करेगी कि ये जो बंदा पात्र है या नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आवेदनों की जमीन सच्चाई जानने के बाद होगा फैसला, यानी जो आवेदक होगा उसके पास जमीन है या नहीं है उसकी सच्चाई जानने के बाद जो है फैसला होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रामीण आवास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अब वह आवास योजना के लाभुकों की अंतिम सूची अब ग्राम सभा ही फाइनल करेगी, भौतिक सत्यापन के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी, इसमें पूरी तरह से पारदर्शित बरती जाएगी। प्रखंड स्तर पर जो कमेटी बनी है उसकी सूची भी ग्राम सभा को भेजी जाएगी, इस सूची में जो शिकायतें मिली हैं उसमें सुधार किया जा रहा है, जिन्हें आवास मिल गया है वो भी आवेदन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो बताया गया है जिनको आवास मिल गया है उन्होंने भी आवेदन किए हैं, तो इसी को देखते हुए ग्राम सभा सूची इसकी फाइनल करेगी, जो ग्राम सभा चाहेगी उसी को आवास दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक और है, सूची में एकल महिला और दिव्यांग की हो रही है अनदेखी, डॉक्टर महतो ने कहा कि मनमानी तरीके से सूची तैयार की गई है, इसमें एकल महिला प्रधान परिवार और दिव्यांग परिवार के लाभुकों को ख्याल नहीं रखा गया है, इसकी वजह से जरूरतमंदों को आवास से वंचित होने पड़ रहा है। आवेदनों के आधार पर प्रखंडों में सत्यापन कर प्राथमिकता सूची तैयार की जानी चाहिए, ग्राम सभा द्वारा सूची को अनुमोदन करना है मगर गड़बड़ी करने के उद्देश्य से अलग से प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है। तो देखिए इसकी जो सूची है जिसमें जो गड़बड़ हुई है उसमें भी सुधार किया जाएगा। ये जो योजना है ये झारखंड वालों के लिए है अब वह आवास योजना। तो दोस्तों देखिए ये जो योजना है ये अबुआ आवास योजना झारखंड वालों के लिए है, और जिस किसी की सूची लिस्ट में नाम नहीं आया है तो वो शिकायत करके अपनी सूची भी सही करा सकता है, और जिसका आवेदन गलत हो गया है तो वो अपना आवेदन सही करा सकता है, यानी जो पात्र है उसको जो है लाभ मिलेगा और जो अपात्र लोग हैं उनके जो फार्म निरस्त किए जाएंगे, उनके फार्म जो है रिजेक्ट किए जाएंगे। देखिए यूपी की जो योजना है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 4 मिनट की वीडियो बन गई है, तो वो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और क्रिएट पोस्ट में डाल दूंगा कि आप अखबार की कटिंग पढ़ सकते हैं। यूपी वाले के लिए भी आवास योजना निकल चुकी है, और जो है इसकी वीडियो वैसे मैंने 2 दिन पहले बना दी है, उस वीडियो का लिंक मैं जो आखिर में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे क्या होगा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।